हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सर? वेलकम टू नीतू ब्लॉग। आज है 26 जून, तो तीसरा दिन है मेरी ब्लॉगिंग का, वीडियोस का। तो आज मन हुआ चलो मैं आपसे बात कर लूँ। आज संडे है, संडे को आपको पता है मैंने मॉर्निंग में कोई ब्लॉग नहीं डाला, अभी ही जस्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हुआ है 12:30, तो आज लेट हो गया। आपको पता है संडे को थोड़ा लेट होता है, सब काम लेट होते हैं, बच्चे लेट उठते हैं, नाश्ता लेट होता है, काम लेट हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे बात करूं, आज बात करने का बहुत मन हो रहा था। तो एक्चुअली मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने आपको बताया था, अपनी इंट्रो में बताया मैंने कि बस ऐसे मन में शौक पैदा हुआ, इच्छा हुई, जैसे दूसरों को बनाते देखा मन में हुआ कि हाँ मैं भी बनाऊँ। तो एक्चुअली काफ़ी चीज़ें होती है ना कि जैसे हम देखते हैं तो मन में सोचते हैं कि हाँ ऐसा हम भी करें, बट हम करते नहीं हैं। क्यों? सिर्फ हम सोचते हैं, मतलब वो चीज़ सोचने तक ही रह जाती है, उसको करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको आगे हमने लेके जाना है, ऐसी सोच कई बार नहीं आती है। मेरे साथ तो मोस्टली ऐसे काफ़ी बार हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सोच तक ही रह जाती हैं। तो ये भी बस मेरे मन में आया था कि मैं बनाऊँ, सोचती तो काफ़ी टाइम से थी, बट ये नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसे मतलब कि प्रैक्टिकली इसको आगे लेके जाऊँ, प्रैक्टिकली मैं बनाऊँ, तो ये चीज़ नहीं मैंने कभी सोची थी। बस उस दिन बैठे बैठे ऐसे ही एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, तो हस्बैंड ने बोला ठीक है कर लो। सिंपली जैसे उन्होंने बोल दिया। तो सेकेंड डे भी मैंने ऐसी जनरल बात करी, बच्चे पास में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मेरा मन कर रहा है मैं भी वीडियोस बनाऊँ। तो बेटा बोला कहता मम्मा उठो अब बनाओ वीडियो, मैं एडिटिंग कर लूँगा। तो मुझे तो एक्चुअली एडिटिंग की इतनी नॉलेज है नहीं है, तो बस बेटे ने काफ़ी मतलब कि मेरा साथ दिया, हेल्प तो उसने करी काफ़ी, मतलब एडिटिंग वगैरह हुई, उसने मुझे भी सिखा रहा है तो खुद भी करी है। तो मैंने कहा चलो करते हैं स्टार्ट, मज़ा तो आता है, इंटरेस्टिंग तो है। तो एक्चुअली इस ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, जैसे मतलब कि अब जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, तो मैं वैसे इतनी बात नहीं करती हूँ जनरली। देखो हर किसी का अपना नेचर होता है, तो मैं ज़्यादा, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा बंदा बोलने वाला है ये वो, मैं ऐसा ज़्यादा बोल नहीं पाती। तो मुझे ये है कि बट मैं ऐसे बोलूँ, मुझे ये शौक है कि हाँ मैं भी करूँ, मैं भी बोलूँ, मैं भी अपने कुछ मतलब कि अपना आगे प्रैक्टिकली इस तरह से अपने आप को करूँ और काफ़ी कुछ सीखूँ, सीखने की भी इच्छा है। तो बस ये शुरुआत हुई है अभी मेरी। तो आपका सपोर्ट तो चाहिए ही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप साथ हो तो सपोर्ट, तो सपोर्ट के बिना तो देखो कभी बंदा कोई भी आगे नहीं जा सकता, ठीक है, सपोर्ट तो ज़रूरी है। बस अभी फिर मैं आज आफ्टरनून में आपके साथ पोहा की रेसिपी शेयर करूँगी, बच्चे बोल रहे हैं कि पोहा खाना है, मेरी खुद भी इच्छा है, चलो आज पोहा बनाते हैं। तो अभी मैं फिर आगे आपको दिखाऊंगी, कुछ मार्केट भी जाना है, फ्लावर्स वगैरह लाऊंगी, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। थोड़ा सा मन में है कि लगानी है, गर्मी की वजह से 2-3 प्लांट्स सूख गए हैं, वो भी मैं लेके आऊँगी आपको, फिर मैं आगे दिखाऊंगी, शेयर करूँगी आपसे। अभी मैं बनाने लगी हूँ पोहा, सुबह परांठे खाए थे नाश्ते में, तो अभी आफ्टरनून का टाइम है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा लाइट हो जाएगा, पोहा खा लेते हैं। अभी मैंने कैरेट, टमाटो, अनियन, पोटैटो और ग्रीन चिली ये काट के रख लिया है, और पोहा भी मैंने वॉश करके रख लिया है। तो अभी तेल गर्म हो रहा है कढ़ाई में, तो अभी इसमें मैं सबसे पहले सरसों मस्टर्ड सीड्स होते हैं जो वो डालूंगी, साथ में ही मैंने हरी मिर्ची, कैरेट, पोटैटो ये डाल दी है। तो सबसे पहले एक्चुअली अनियन डालती हूँ मैं, तो इस टाइम मैं भूल गई थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अभी बाद में डाल लेते हैं। तो इसको अच्छे से भून लेना है, तो अच्छे से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अनियन, तो उसके बाद इसमें सूखे मसाले जाएंगे, तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च अभी थी नहीं मेरे पास, तो इसलिए जो है मैं उसी से बना रही हूँ, वैसे भी बच्चे कम ही खाते हैं शिमला मिर्च इसमें ना। तो अभी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, इसके बाद मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ये तीन चीज़ें डालूँगी,
तो अभी ये भून रही हूँ। जैसे जो कंटेनर होते हैं, जैसे वो खाली होता है तो मैं इसको साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो चीनी डाल लेते हैं उसमें, तो चीनी डाल रही हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे इसको भूनने में टाइम लगेगा, तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और जो पटेटो हैं और जो कैरेट डाली है वो डल ना जाए। तो बस अभी मैंने साथ ही कंटेनर में चीनी डाल के रख दी है, अभी मैं इसको रख दूंगी। तो अभी मैं इसको भून रही हूँ, तो साथ में मैं चेक कर रही हूँ कि हाँ पटेटो डल गए हैं। तो इसके बाद थोड़ी देर मैंने, अभी थोड़ी कसर थी इसलिए मैंने ढक के रख दिया। तो अभी मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाली है, तो ये डालकर उसके बाद मैंने ज़्यादा देर नहीं इसको छोड़ना, बस ये डाल के साथ ही मैं पोहा इसमें डाल दूंगी। चलो इवनिंग में जाऊंगी, थोड़ा धूप वगैरह भी हट जाएगी, गर्मी बहुत थी आज। तो अभी निकल रही हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ फ्लावर्स लेने हैं और कुछ सामान और लेना है। मिलते हैं फिर आगे, चलती हूँ मैं मार्केट, मार्केट जाके फिर वहाँ पे मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे भैया मुझे बता रहे थे डिफरेंट प्लांट्स के बारे में,
तो यहाँ पे ये प्लांट मैंने निकलवाया था। मुझे बस ऐसे ही चाहिए थे जो अंदर मतलब कि ज़्यादा धूप ना पड़े, बाहर मतलब कि जो पोर्च में रखने के लिए मुझे चाहिए थे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग निकलवाए हैं प्लांट्स। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे। बहुत गर्मी है आज, घर से निकलो तो पता चलता है, घर में बैठे इतना पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब पसीने तो ऐसे टप टप होते हैं कि जैसे पानी बह रहा है। तो अभी मैं लेके आई थी प्लांट्स, मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। तो मैं ये लाई थी, ये ऊपर छत पे रखने के लिए बर्ड्स के लिए। इसमें मैंने कहा पानी वगैरह भर के रखूँगी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बस मार्केट जाती थी भूल जाती थी। आज मैंने कहा ये भी लिख लो जो सामान लेके आना है इसमें। और साथ में एक ये लाइन है, ये भी मतलब बाहर रखने के लिए, जैसे एनिमल्स डॉग्स वगैरह होते हैं उनके लिए। और एक लाइन ये शैम्पू, और एक लाइन ये फेस वॉश, बेटा यूज़ करता है ये फेस वॉश है। और इसके अलावा ये देखो ये वाले मैं प्लांट्स लाई हूँ, ये वाले, ये है आइजोरा का। इनको उसने बोला था कि जैसे आप ना मतलब बाहर धूप में, ज़्यादा धूप में नहीं रखना, जैसे हल्की फुल्की धूप इस पे आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हम अंदर भी नहीं रख सकते, जैसे अंदर ड्राइंग रूम वगैरह में हम रखें वहाँ नहीं रख सकते। आइजोरा इसको हम मतलब जैसे मैं पार्क पोर्च वगैरह में रखूँगी। और ये वाला है ये डेफन बीचिया, ये लाते लाते ना, ये देखो यहाँ से ना ये टूट गया इसका लीफ ये, और ये एक, चलो कोई बात नहीं इसको सेट करेंगे, ये टूट गया यहाँ से डेफन बीचिया। और दिस इज ट्रोटॉन, ये ट्रोटॉन है, इसके जो लीव्स है ये शेडिंग है, इसमें देखो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं ना, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने कहा चलो ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये प्लांट्स कैसे लगे। तो अभी तो मैं सिर्फ इतना ही लाई हूँ, फिर और लाऊंगी धीरे धीरे, प्लांट्स ऊपर पड़े हैं बस। वो ना पीछे हम गए थे बाहर, तो जैसे पानी वगैरह नहीं पीछे से किसी ने दिया, तो बस उसकी वजह से वो सूख गए। बस ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, कहीं आना जाना होता है तो उसकी वजह से पीछे फिर घर में प्लांट्स वगैरह को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। चलो अभी टाइम बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी करनी है अभी। तो आज का व्लॉग फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय। तो एक चीज़ लास्ट में फिर कहना चाहूँगी, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you. Bye.